खेल विभाग द्वारा गांव को विकास की ओर ले जाने के लिए खर्चे जा रहे करोड़ों। खेल विभाग द्वारा बनाए जा रहे अत्याधुनिक तकनीक से खेल स्टेडियम। पानीपत के गांव सिवाह में करोड़ों की लागत से बन रहा हाईटेक स्टेडियम। खेल विभाग की लापरवाही से सिंथेटिक ट्रैक तो बना लेकिन खिलाड़ियों की जान का दुश्मन बना ट्रैक पर खड़ा हाईटेंशन बिजली का खंभा। बरसात के मौसम में कट आने से हो सकता है बड़ा हादसा। अधिकारियों ने भी माना हुई गलती। एक सप्ताह का दिया आश्वासन, हटाया जाएगा बिजली का खंभा। पानीपत में खेल विभाग के द्वारा खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में अच्छी स्पर्धा देने के लिए हाईटेक स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। इस स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण कर दौड़ लगाने वाले खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करने का अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन इस स्टेडियम में ट्रैक पर बिजली का खंभा खिलाड़ियों के लिए समस्या बना हुआ है। खिलाड़ी डर के साए में करते हैं प्रैक्टिस। पानीपत के गांव सिवाह में हाईटेक स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। इस स्टेडियम में विभाग के द्वारा सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन स्टेडियम में इस ट्रैक के बीच 11,000 वोल्टेज का बिजली का खंभा है, जिससे खिलाड़ी परेशान नजर आ रहे हैं। विकास, पारस, लक्ष्य व गौरव खिलाड़ियों का कहना है कि पानीपत का पहला ऐसा स्टेडियम है जिसमें सिंथेटिक ट्रैक बना है, लेकिन इस खंभे की वजह से खिलाड़ियों को काफी परेशानी हो रही है। उन्हें प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द ही इस खंभे को यहां से हटाया जाए। वही खिलाड़ियों ने कहा कि पिछले दिनों जब जेवलिन थ्रो के दौरान इस खंभे में कट से कई खिलाड़ी गिर गए थे। खेल अधिकारी राज यादव ने कहा कि 13 एकड़ में यह स्टेडियम हाईटेक बनने वाला है। इस पर कुल 27 करोड़ की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तैराकी, एथलीट व अन्य सभी सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलेंगी। वही ट्रैक के बीच खंभा होने पर उन्होंने कहा कि जब इस जमीन की विजिबिलिटी दी गई थी तब यह खंभा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब इस खंभे के लिए उपायुक्त व PWD को कह दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 7 दिन में खंभे को हटा दिया जाएगा। बहरहाल पानीपत में बनने वाली इस हाईटेक स्टेडियम से खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा खेलने का मौका मिलेगा। शिवा में ये स्टेडियम बनने जा रहा है जिसमें 13.5 एकड़ के अंदर ये बनाया जा रहा है। उसमें काफी फैसिलिटीज हैं जिसमें एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, कबड्डी ग्राउंड है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, तैराकी का पूरा वो है ग्राउंड, मल्टीपर्पज हॉल है और बैडमिंटन हॉल है। उसकी टोटल कॉस्ट जो गई हुई है टेंटेटिव वो 27 करोड़ के गई हुई है। और ये स्टार्ट हुआ था तो 1 साल इसमें टाइम था इसका कि 1 साल में PWD कंप्लीट करके दे देना, तो 1 साल तक तो हम वेट करेंगे। उसके बाद जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट जाती है तो उसी टाइम ये खंभा नहीं होना चाहिए था, पर ड्यू टू सम रीजन वो चली गई। तो सरपंच ने भी बोला है उनको कि ये खंभा हटवाओ, और मेरे आने के बाद जब मैंने विजिट किया तो उसमें पोल देखा, तो मैंने डी साहब को भी और एक्शन साहब को भी बोला कि इस पोल को तो कम से कम हटवाओ, ये ग्राउंड बनने से पहले ही पोल वहाँ से हटना चाहिए था। DC साहब जो नए आए हैं उन्होंने दोनों एक्शन को बुला के, बिजली बोर्ड और PWD को बुला के बोला है भाई इस पोल को हटवाएं, तो उन्होंने 1 वीक का टाइम बोला है कि जैसे ही वो हमारे PWD को उस एस्टिमेट बताएंगे, क्योंकि उस पर शायद कॉस्ट आती है उसको हटाने में, तो वो जैसे ही वो उनको बताएंगे कि इतने पैसे लगेंगे वो बता देंगे, उनको जमा करा देंगे और वो पोल हटवाने का उन्होंने वादा किया है कि हम हटा। जैसे अब सोमवार को जैसे बच्चे बहुत सारे आस पड़ोस गाँव से आते हैं टाइम नापने के लिए, तो अब सारे इकट्ठे भागते हैं, तो आधे बच्चों को जैसे उस तरफ से जो भागते हैं उनको जगह नहीं मिल पाती। और ख़ासकर अगर जैसे कोई एथलीट की तैयारी कर रहा है तो अगर वो रेस वगैरह लगाते हैं 400 मीटर वगैरह या 200 मीटर की, तो उनको भी बहुत सारी समस्या आती है। कभी कहा इसको हटाने के लिए आप लोग? अभी तो बना ही नहीं है स्टेडियम, इसलिए तो अभी कोई हमको अधिकारी नहीं दिखता बड़ा, तो उस जिसको हम कहें 2-3 बार जैसे बच्चे अगर लाइन में भागते हैं तो उनको टकराते 2-3 बार बचे हैं, जिससे चोट लगने से भी उनको बहुत बार बचे हैं वो। जैसे अब इकट्ठे रेस लगाते हैं तो क्या चाहते हो? अब हम तो यही चाहते हैं कि इस खंभे को जल्द से जल्द हटाया जाए और इस स्टेडियम की थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की। स्टेडियम बहुत अच्छा है जी, देख रहे हो आप, बहुत अच्छा स्टेडियम बना है, सब कुछ अच्छा है,
वही है बस, ये खंबा थोड़ा सा ट्रैक के बीच में आ गया, इसको हटवाओ, प्रशासन से हम गुहार करते ही इसको हटवाए। क्या समस्या है? भागते वक्त एकदम बीच में आ जाता है कि जगह सिर भी टकरा गया, को पड़ गया, गिर गया, तो दिक्कत तो है ही ना। तो रिक्वेस्ट करते डीसी साहब से, एसपी साहब से, जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसको देखो और इसको हटवाओ।